विधानसभा चुनाव में इस बार जगाधरी विधानसभा की जंग दिलचस्प होने वाली है। बीजेपी से जगाधरी के मौजूदा विधायक कंवरपाल गुर्जर चुनाव लड़ने को तैयार हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व डिप्टी स्पीकर अकरम खान एक बार फिर से जगाधरी विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। तो अकरम खान का ये कहना है कि बीजेपी अपने 5 साल के कार्यकाल में विफल रही है। कांग्रेस का जो 10 साल का टेन्योर रहा है पीछे 2014 से पहले, उसमें जो जनहित के काम हुए हैं और इस 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, इनकी जो विफलताएं रही हैं, इनके जो घोषणा पत्र था उसको कोई भी, वो अपनी घोषणा पूरे करने में कामयाब नहीं हुए और कोई डेवलपमेंट इलाके में नहीं है, हमारे ज़िले में नहीं है, हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं आई, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं आया, कोई मेट्रो आगे नहीं बढ़ी, कोई रेलवे लाइन नहीं, मतलब हर एक चीज पे सरकार नाकाम रही है। तो जगाधरी विधानसभा सीट पर जोरदार टक्कर जो है वो होने जा रही है। तो आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं संभावित जो चेहरा है वो एक बार फिर से कंवरपाल गुर्जर पर जो है वो विश्वास जताया जा रहा है। तो पूर्व डिप्टी स्पीकर और मौजूदा डिप्टी स्पीकर के बीच जो है ये जबरदस्त टक्कर होने वाली है। हालांकि अभी तक औपचारिक तौर पर यह ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि ये दोनों ही जो नेता हैं इनको एक बार फिर से कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की तरफ से मैदान में उतारा जाएगा। और इसी के चलते जगाधरी विधानसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि इस बार किस तरह से जो है टक्कर दोनों एक दूसरे को देते हैं, क्योंकि एक तरफ मौजूदा विधानसभा स्पीकर हैं तो दूसरी तरफ पूर्व डिप्टी स्पीकर।